हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं न्यूरोबिन फोर्टी टैबलेट्स और न्यूरोबिन इंजेक्शन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लाइक न्यूरोबिन के यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स क्या क्या है बॉडी के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। न्यूरोबिन फोर्टे टेबलेट और इंजेक्शन को मर्क कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। न्यूरोबिन टेबलेट जो कि 30 टेबलेट्स का एक स्ट्रिप है, जो मार्केट में आपको 31.61 रुपीज़ में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और जो आपके सामने ये जो इंजेक्शन है, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 14.92 रुपीज़ है, जो आपको दिखाई दे रही है। किसी भी दवाई को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। न्यूरोबिन फोर्टे टेबलेट और इंजेक्शन के कंपोजिशन की बात करें तो इसके न्यूरोबिन फोर्टे एक मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स है, जिसके अंदर विटामिन्स का कॉम्बिनेशन होता है। और इसके अंदर विटामिन B1 जो कि बॉडी में डाइट में शुगर को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और हार्ट और नर्व सेल्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। ये एक ग्रुप ऑफ विटामिन बी है, मतलब इसके अंदर सारे विटामिन बी है। इन सभी विटामिन बी का उपयोग विटामिन बी की डेफिशिएंसी में बॉडी के अंदर किया जाता है। और विटामिन जो और इसके अंदर जो विटामिन B2 है, ये शरीर में ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और RBC के प्रोडक्शन में भी काम आता है। और ये प्रोटीन से एनर्जी को रिलीव भी करता है। विटामिन B2 सेल्स की ग्रोथ और फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन B3 की बात करें तो ये त्वचा और नर्व्स को हेल्थी बनाए रखने का काम करता है। और यह कोलेस्ट्रॉल और फैट सिंथेसिस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। विटामिन B5 जो कि फूड के मेटाबॉलिज्म के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। विटामिन B6 का सबसे बड़ा रोल है RBC के प्रोडक्शन में और नर्व सेल्स के फंक्शनिंग में। ये बॉडी के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का काम भी करता है और ब्रेन के फंक्शन को भी मेंटेन रखता है। और अब हम देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार से टेबलेट की स्ट्रिप है। ये 30 टेबलेट की एक स्ट्रिप है और इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और MRP वगैरह मेंशन किया हुआ है। और इसके अंदर जो विटामिन B12 है, इसका उपयोग प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में और RBC के फॉर्मेशन में होता है। और इसके साथ साथ विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में भी अपना रोल प्ले करता है। इस प्रकार न्यूरोबिन फोर्टे टेबलेट और इंजेक्शन के कंपोजिशन लगभग सेम ही है, क्योंकि ये दोनों मल्टीविटामिन ड्रग्स हैं और इनका उपयोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में किया जाता है। जैसे कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो तो इसका उपयोग किया जाता है। ये टेबलेट और इंजेक्शन आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाकर ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने का काम करते हैं। बॉडी के अंदर वीकनेस में और नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इन दोनों टेबलेट और इंजेक्शन का। विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कि एनीमिया है और वीकनेस है, वेट लॉस है, नर्व पेन है, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, हेडेक, हार्ट फेलियर, किडनी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स और हेयर लॉस और लीवर प्रॉब्लम्स, ये सारी बीमारियाँ विटामिन बी की कमी से होती है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूरोबिन टेबलेट और इंजेक्शन के डोजेस के बारे में। न्यूरोबिन टेबलेट को विटामिन बी की डेफिशिएंसी में दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसी प्रकार इंजेक्शन को भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी में डॉक्टर के द्वारा 10 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनको एक दिन छोड़ एक दिन लगाया जा सकता है, मतलब 20 दिन के अंदर इसकी डोज को कंप्लीट किया जाता है। हम बात करते हैं न्यूरोबिन टेबलेट और इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। यदि इस टेबलेट और इंजेक्शन के यूज़ करने के बाद डायरिया हो या फिर एक्सेसिव यूरिनेशन हो, मतलब पेशाब अधिक मात्रा में आ रहा हो, या नर्व डैमेज हो, तो इस टेबलेट और इंजेक्शन का उपयोग करना बंद कर दें। ये थी न्यूरोबिन टेबलेट और इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।